SDN News, मुद्दे की बात आपके साथ। लोक जनशक्ति पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम कैफी ने भ्रष्टाचारियों और दागी नेताओं पर लाए गए अध्यादेश को बेकार बताते हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए भी भ्रष्टाचार सिर्फ राजनीति है, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की गई। हम आपके माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को याद कराना चाहते हैं। कहीं कभी कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी मीटिंग में नेल्सन मंडेला से जोड़ने लगते हैं लालू जी को। किसी किसी बयान में हमने देखा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की तरह। भाई लालू जी जिस मामले में जेल गए, उनको भेजने वाले शिवानंद तिवारी कल नीतीश कुमार के बगल में बैठते थे, उनको उस वक्त नीतीश कुमार से राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त थी, तो लालू यादव उस वक्त पिछड़ा नहीं था। लालू यादव उस वक्त केस करने वाले शिवानंद तिवारी को चोर नजर आया, और जैसे सदस्यता रिन्यूअल नहीं हुई और लालू जी ने शिवानंद तिवारी के बेटा को टिकट दे दिया, विधायक हो गए, तो अब नीतीश जी गलत है, अब लालू जी बहुत अच्छे हो गए। और ये मापदंड राजनीति में जब चलता रहेगा तो निश्चित रूप से देश में बिहार की आवाम दिग्भ्रमित होती रहेगी। और हम तो अपनी बिरादरी को, खासकर मुसलमान जो मसीहा के रूप में लालू जी को देखता है बिहार, और कांग्रेस के लोगों को समझता है कि माइनस कांग्रेस हमारा वजूद नहीं है। हम आपके माध्यम से भाई एक सवाल छोड़कर पूर्णिया में जाना चाहते कि आजादी के बाद इस मुल्क के हिंदू मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। नरेंद्र मोदी 2014 में आया और आज 17 है। इन 3 वर्षों के पहले मुझको कटोरा लेने को मजबूर किसने किया? हम महादलित की श्रेणी या दलितों की श्रेणी से भी पीछे कैसे आ गए? हमारा डेवलपमेंट क्यों? उस वक्त मोदी पैदा हुए थे, मोदी ने रोका था। इसलिए ये सब सवाल मुसलमानों को बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए कि निश्चित रूप से जो 125 करोड़ की बात करने वाला प्रधानमंत्री है, अब हम लोग उसकी तरफ देखें। और हम बार बार कहते हैं अपनी कौम से, खासकर मुसलमानों से, कि भाई आप विकास के साथ चलने की बात करो, जो आपके विकास की बात करे उसके साथ चलना चाहिए। इसलिए हम वो जो सम्मेलन 5 मई 2018 को हम श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बुला रहे हैं, उसका बड़ा उद्देश्य भी यही है कि हम मुसलमानों पर जो एक पर्दा पड़ा है माइनस मोदी, मोदी को देखा नहीं कि बस हम एंटी वोट करने चलेंगे, देश के जो हालात है उसमें हमको भी जुड़ के चलेंगे।